हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पंडित, आप देख रहे हैं यूनिशियल एंड मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? कल के वीडियो आप लोगों ने इतने लाइक्स दिए कि मुझे मजा आ गया। और आपके मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, आप सब देख सकते हो, सारे कमेंट्स पे मैंने लाइक किए हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा कमेंट था, सबको बॉस बनना है भाई आज के टाइम में, मीन सबको अपनी कंपनी खोलनी है। अब अपनी कंपनी क्यों खोलना चाहते हैं लोग? क्योंकि सब कोई फ्रीडम चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं कि मैं अंबानी की तरह ढेर सारे पैसे कमाऊं। बुराई भी नहीं है, अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा लोगों के कमेंट्स थे दोस्तों कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, तो क्या क्या करना पड़ेगा अपनी कंपनी को खोलने के लिए। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। बट उससे पहले लाइक ठोक दो जिससे कि कल भी और मजा आए। दोस्तों आपका जो कॉमन क्वेश्चन था कि सर, एक तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर लाइसेंस कैसे बनवाएं, ठीक है, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक क्वेश्चन था कि सर कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करें, ठीक है, दो क्वेश्चन थे। देखो, लाइसेंस बनाने के बाद आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, बट अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी ना भाई। तो कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करें बिना सीए के, हो सकता है क्या? इन सब चीजों पर आज का वीडियो निर्धारित किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जब कंपनी ओपन करने जा रहे हो तो आपको कितने टाइप्स की कंपनीज ओपन करनी पड़ती है आपको ये पता होना चाहिए। मीन्स कौन कौन से टाइप्स की कंपनीज होती है, क्या आपको पता है? एक तो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो आप लोग सुनते होंगे। एक होती है LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी होती है। एक होती है OPC वन पर्सन कंपनी। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। और एक होती है जनरल पार्टनरशिप कंपनी। जो मेरी कंपनी है वो OPC है, वन पर्सन कंपनी है, ठीक है। आप कौन सी खोलो, वैसे तो आप अगर जानना चाहते हो किसी एक स्पेशल टाइप की कंपनीज के बारे में तो नीचे कमेंट करो। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलोगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्यों लास्ट में बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, आपने फिक्स कर लिया कि कौन से टाइप की कंपनी खोलनी है। इसके बाद पहले क्या था, पहले आपको इतने ढेर सारे फॉर्म भरने पड़ते थे कंपनी को खोलने के लिए, जिसमें से होता था कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी के नेम के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था। उसके बाद कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था। उसके बाद आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स डिन नंबर जो होता था, डिन नंबर के लिए अलग से फॉर्म, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बहुत ही आसान कर दिया है। उसने कहा एक फॉर्म भरो जिसका नाम है INC 29 MCA.government.in पे, कंपनी पे उनके वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हो। INC 29 के अंदर इन तीनों का डिटेल ले लेते हो, कौन कौन सी चीज, कंपनी नेम, आइडेंटिफिकेशन मीन्स डीन आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स डायरेक्टर का क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी आपको इसी में आ जाता है। और इसके अंदर दोस्तों आपको एक देना पड़ता है डिजिटल सिग्नेचर। क्या देना पड़ता है? डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ जी है, वो क्या है, वो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है ना आपका, करेक्ट। ऐसे डिजिटल सिग्नेचर देना पड़ता है आपको, जो कि आप MCA की वेबसाइट से ही बना सकते हो और ये दो दिन के अंदर आ जाता है। वैसे इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर अगर आप बना सकते हो तो उससे बना लो, नहीं बना सकते हो तो मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा। स्टेप्स बहुत ढेर सारे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे ही होते हैं बट ज्यादा होते हैं स्टेप्स। दो दिन के अंदर आपको आ जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखानी पड़ती है, नाम साइन करके देना पड़ता है, ये होता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों जब ये फॉर्म को भरते हैं INC 29 को, उस टाइम पर ध्यान देना चाहिए कि कंपनी जो है आपकी, वो कंपनी का नाम बहुत ही यूनिक हो। अब जाके मेरे कंपनी का नाम मत लिख देना, बहुत यूनिक मतलब ऐसा कंपनी का नाम हो जो अभी तक न खुला हो, क्यों नहीं तो फिर आपको फॉर्म रिटर्न आएगा, फिर बोला जाएगा कि आप फिर से भरो, प्रॉब्लम में फंस हो गए। तो बेटर कि ऐसी कंपनी चूज करना, ऐसा नाम चूज करना जो नाम की हो ही ना, उस नाम से ऐसी कंपनी कंस्ट्रक्शन की या फिर जिस टाइप की भी आप कंपनी खोल रहे हो। चलो आपने नाम अच्छा सा डिसाइड कर लिया, नाम ओपन करने के बाद दोस्तों आपको डिजिटल सिग्नेचर वहां पर सबमिट कर देना पड़ता है। प्लस आपको वहां पर करना पड़ता है आपके डायरेक्टर्स, आपके कितने डायरेक्टर्स हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर बात करूं तो उसमें मिनिमम दो डायरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम दो डायरेक्टर आपको दिखाने पड़ते हैं। तो अगर मेरे सजेशन लेंगे आप तो मैं बोलूंगा कि अपने ब्लड रिलेशन में ही दो डायरेक्टर आप दिखा दो, ठीक है। जैसे कि आप खुद को दिखा दो, अपने पापा को या फिर अपने भाई को या फिर अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को मत दिखाना, गड़बड़ हो जाएगा अगर ब्रेकअप वकअप हुआ तो मतलब ऐसा कुछ भी आप दिखा सकते हो डायरेक्टर के नाम। और उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, आप फंड रेज कर सकते हो।
सोल प्रोप्राइटरशिप में आप फंड रेज नहीं कर सकते, ओपीसी में आप फंड रेज नहीं कर सकते, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 लोगों के साथ आप फंड रेज कर सकते हो, 200 लोगों से आप फंड ले सकते हो अपनी कंपनी को ग्रोथ देने के लिए। तो अगर आपका स्टार्टअप है तो रेज लगेगा ना आपको पैसा, तो पैसा लगेगा तो फिर उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें आप थोड़े थोड़े फंड सबसे ले सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों जब इसका रजिस्ट्रेशन करते हो, आईएनसी के जब फॉर्म भरते हो, आईएनसी 29 भर दो कंप्लीट, लगभग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मतलब ये समझो कि 14 से 20 दिन तक अप्रॉक्स लग जाता है, कभी कभी 25 दिन तक लग जाता है। ये कब किस पर डिपेंड करता है, कंपनी के नेम पे, इतना यूनिक रखोगे मिलेगी ना, ठीक है। तो जब मिलेगा नहीं तो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि वो चेक करते हैं कि इस नाम से कोई और कंपनी तो नहीं है, ठीक है। सारी चेकिंग में जो प्रोसेस लगते हैं वैसे स्टैंडर्ड 21 डेज तक में हो ही जाता है। बाकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और दूसरे टाइप की कंपनी है, ये 7 डेज में हो जाती है। और दोस्तों इसकी जो फीस होती है, ठीक है, जो फीस होती है, मतलब एक मोटा मोटा आपको आइडिया बताता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़ा ज़्यादा लगता है, 15-20,000 कागज के सारे प्रोसेस के लिए लगते हैं, और 1,00,000 रुपीज आपको देने पड़ते हैं कंपनी के कैपिटल को शेयर करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट से आपका अथराइज हो जाता है कि आपका 1,00,000 रुपीज का आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। बाकी का जैसे ओपीसी मैंने खोला हुआ है, मेरी खुद की ओपीसी 1% कंपनी है, इसमें 3-4 हज़ार रुपये में सब काम हो जाता है। तो आपको जो ठीक लगे, अगर आपका स्टार्टअप है और आप फंड रेज करना चाहते हो बड़े लेवल पे, तो आप मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलूं, ठीक है। अभी तक मेरी ओबीसी थी, तो धीरे धीरे सबको ये चाहो तो ऐसे जैसे मैंने किया स्टेप वाइज जाओ, या फिर आप बड़े नंबर पे चले जाओ। इसके साथ दोस्तों इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशंस देनी पड़ती है आपको, क्या क्या देनी पड़ती है, एक तो देना पड़ता है उसको बोलते हैं यार MOM, मतलब मेमोरियल ऑफ एसोसिएशन, ऐसा कुछ उसको बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके मतलब के डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर से आपका रिलेशन क्या है ये देना पड़ता है, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनका रिकॉर्ड देना पड़ता है, और एक होता है AOA फॉर्म होता है। तो AOA फॉर्म में क्या देना पड़ता है कि हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म है, देख लेना नेट पे। तो उसमें क्या देना पड़ता है, उसमें देना पड़ता है कि भाई हमारे ये डायरेक्टर का काम ये रहेगा, ये डायरेक्टर का काम ये रहेगा, मींस आपको काम डिसाइड करना पड़ता है जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये सब कुछ INC 29 में आपको फिल करना पड़ता है। चलिए जी, इसको फिल करने के बाद आपको वहां से रिप्लाई आता है, ठीक है, और एक प्रॉपर आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं कि आपका कॉमर्शियल हो या फिर आप कोई एक बड़ी बिल्डिंग ले रखी हो, नहीं, अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहते हो उसका भी एड्रेस दे सकते हो। ये एड्रेस प्रूफ सिर्फ इसलिए चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके टाइम टू टाइम, क्योंकि उनको ऑडिट करना होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो रेंटेड हो तो भी हो सकता है, बट अगर रेंटेड हो तो आपको NOC एक होता है, ठीक, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको क्या बोलते हैं अपने जो जिसका घर है उसके ऑनर को से लिखवाना पड़ता है। अगर आपका खुद का घर है फिर तो टेंशन ही नहीं। चलिए, अब आईडी क्या क्या लगती है। आईडी आपको सबसे पहले तो बनवाना पड़ेगा, या तो होगा आपके पास आधार कार्ड, ठीक होगा ना, अभी तो मोदी जी कंपल्सरी कर दिए हैं, आधार कार्ड चाहिए आपको, वोटर आईडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बिजली का बिल एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल लगता है, या फिर टेलीफोन का बिल भी आप दे सकते हो, पैन नंबर देना पड़ता है और टैन नंबर देना पड़ता है। अगर पैन और टैन नंबर नहीं है तो उसको बनवा लो, 100-150 रुपये में तो बन जाता है, ठीक है। पैन नंबर और टैन नंबर आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके एड्रेसेस, मतलब वो जो जहाँ पर उनका एड्रेस है प्लस वो जहाँ पर बैठ के काम करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि जरूरी नहीं कि आपके जो डायरेक्टर हैं वो आपके ऑफिस में ही आके काम करेंगे, तभी डायरेक्टर बाहर से भी हो सकते हैं। क्यों, बड़ा पैसा है, मैं दुबई में बैठ के आराम से क्या बोलते हैं आपके कंपनी का डायरेक्टर बन के बैठा हूँ, क्या दिक्कत है। मतलब आप NRI भी हो सकते हो, कोई पंगा नहीं है, और क्या बोलते हैं सिर्फ उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए हमें कि डायरेक्टर यहाँ पर रहते हैं और ये इनका ये है, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी फिक्स होनी चाहिए। तो ये थे कुछ फिक्स स्टेप्स जिससे आप अपनी कंपनी को भाई रजिस्टर्ड कर सकते हो और खुद का बॉस बन सकते हो, ठीक है। खुद का बॉस तो बहुत आसान है, लाइसेंस आपके पास आ चुका है, अगर लाइसेंस आ चुका है बस अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, चाहे ओपीसी कर लीजिए, 1% कंपनी का चाहे तो कर लीजिए, या फिर सोल प्रोप्राइटर, या फिर LLP भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थोड़े से लफड़े ज्यादा होते हैं। कैसे, आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत से स्टेप्स हैं। एक स्टेप तो यह है कि उसमें एक लॉयर होना चाहिए आपके पास, और भी कई चीजें हैं जो आपको कंपल्सरी आपके पास होनी चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि मैं सर इस टाइप की कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो उस टाइप की कंपनी को यहाँ पे नीचे कमेंट करो। जैसे कल आप लोगों ने बोला था कि सर कंपनी खोलना चाहता हूँ स्टेप बताइए, तो मैंने आपको स्टेप बताया MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
को नहीं उनका .government.in उनकी वेबसाइट का नाम है, जाके वहाँ पर INC फॉर्म डाउनलोड कर लो, वहाँ पर देख लो कि क्या क्या है सब कुछ जो बता दिया, इसके बाहर से कुछ नहीं है ठीक है। बस MOA फॉर्म होता है, AOA फॉर्म होता है जिसमें आपको बताना रिलेशनशिप वगैरह के बारे में बताना पड़ता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना पड़ता है, रिलेशनशिप अपना वाला मत बताना, वहाँ वाला रिलेशनशिप बताना, बाकी ID प्रूफ देने पड़ते हैं, पैन नंबर डैन नंबर देने पड़ते हैं, बस इतने सिस्टम से आराम से आप घर बैठे। अब आप बोलोगे सर इसके लिए CA से कॉन्टेक्ट करूँ क्या, नहीं यार काय को फालतू में पैसे देने का, पैसे नहीं देना है ठीक है। ऑनलाइन जब ये काम हो सकता है, अभी सारा स्टेप्स वैसे तो ऑफलाइन भी कर सकते हो बट सारा स्टेप ऑनलाइन हो चुका है, सो आप आराम से जाके ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन ही आपका सब कुछ आ जाएगा। चलिए किसी भी विशेष चीज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर में आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसके लिए ना 8 से 10 कंपनियां हैं इंडिया में जो कि अलग अलग अपना डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती हैं, तो आप चाहते हो कि उनके बारे में बताओ, या फिर आप चाहते हो कि सर LLP के बारे में बताओ, सर पार्टनरशिप कंपनी के बारे में बताओ, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो भाई। जब कमेंट करोगे तो अगले स्टेप में हम फिर से मिलेंगे आपसे। चलिए अब हमारा आगे का जो टारगेट है कि हम आपको लाइसेंस कैसे बनाना उसका भी स्टेप्स बताएं, क्योंकि ये तो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो गई लेकिन लाइसेंस भी तो चाहिए ना आपको, तो लाइसेंस कैसे चाहिए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि क्या क्या चाहिए उसके लिए, अब बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत और थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्यों क्योंकि आप लोग बोलते हो तब मैं बनाता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा आपके लाइक से बड़ा ही ताकत मिल जाती है। चलिए जो यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा वाले थैंक यू उनके लिए, क्योंकि 11 मिनट तक पेशेंस रखना आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो इसको क्या करो एक शेयर बटन पर शेयर करके थोड़ा और शेयर कर दो, और कमेंट करना ना भूले क्योंकि कमेंट पे ही निर्धारित होता है कि अगला वीडियो क्या आएगा। चलिए बाय बाय।